बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सीवान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है। दर्जनों लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं। वहीं सारण में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। देखिए, शराबबंदी के फैसले का चोला पहनकर बिहार में सुशासन के दौरान चप्पे चप्पे पर ये जो अंधेरगर्दी मची हुई है ना, उसी का ये सबूत है जो सीवान से, सारण से सामने आ रहा है, जहां जहरीली शराब की वजह से 22 लोगों की जान चली गई है। 22 घरों में मातम पसरा हुआ है। आप खुद सोचिए जरा, 22 घरों में ये जो मातम है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां बार बार जहरीली शराब का कहर कैसे बर पाए? लिहाजा शराबबंदी का ढोल पीटने वाली सरकार क्या कटघरे में नहीं खड़ी होगी? राजनीति इस पूरे मामले पर अब गरमाई हुई है, लेकिन राजनीति अपनी जगह। जिन लोगों के घर उजड़ गए, वो 22 जिंदगियां जो खत्म हो गई, अपने पीछे वो जो रोते बिलबिलाते परिवार छोड़ गए, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? बिहार में जहरीली शराब कांड पर अब सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं। जहरीली शराब से 27 लोगों की हत्या, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री की विफलता नहीं? ये सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। इन हत्याओं का दोषी कौन? बिहार में सिर्फ कथित शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद हर नुक्कड़ पर शराब उपलब्ध है। सत्ताधारी नेताओं, पुलिस, माफिया का गठजोड़ है। तो यह आक्रामक प्रहार तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर, सीधे सीधे नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि बस शराबबंदी जो है वो दिखावे के लिए है। वहीं जहरीली शराब पर नीतीश के मंत्री का बयान सामने आ गया है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा, बोल रहे हैं ये प्रशासनिक विफलता नहीं है। शराब माफिया पर सीसीए लगाया जाएगा, एसआईटी का गठन किया जाएगा। अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुनिए जरा, जो भी इसमें संलिप्त है वे बख्शे नहीं जाएंगे। प्रशासनिक फेलियोर कभी नहीं हुआ है न होगा। छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन तो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और एसआई टीम गठित किए हैं और सीसीए लागू करेंगे। तो सुना आपने, शराबबंदी वाला राज्य बिहार, जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है और सरकार के मंत्री के मुताबिक ये प्रशासनिक विफलता नहीं है। अच्छा, दूसरी ओर विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार को घेर रहा है, एक दूसरे पर सियासी शब्दबाण चलाए जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए आप, उन परिवारों का क्या हाल है जिन्होंने अपने अपनों को इस जहरीली शराब का शिकार बनने की वजह से खो दिया है। सीवान से हमारे सहयोगी हैं शशांक, उन्हीं की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए आप। इस वक्त हम माघर सीवान का एक जगह है, वहां पर मौजूद हैं। यहां के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये उनकी पत्नी है, ये उनका बेटा है। दुखों का पहाड़ जो है वो इन लोग पे टूट पड़ा है। बेटा से पहले बात करेंगे, क्या नाम है? दीपू कुमार। पिताजी का क्या नाम? मोहन सर। कैसे मौत हुई? दारू पे लगे। गांव में बिकता है? गांव में बिकता है। अच्छा, कहाँ पे बिकता था? पोखरा पर। चोरी छुपे? खुला में चोरी छुपे बेचते हैं, खुला में बेचाते हैं। आप लोग अभी पुलिस से शिकायत किए कि आप एक्शन लीजिए? एक्शन पुलिस लेते नहीं है। एक्शन नहीं लेते हैं पुलिस, ये सब मिला है। अच्छा, आप लोग पुलिस से गुहार लगाते रहेंगे लेकिन कभी सुनी नहीं गई? सुनी नहीं गई। अच्छा, ये बताइए, बिहार में तो शराबबंदी है, पापा को कभी समझाया नहीं कि शराब मत पीजिए? मानते ना लोन पर। अब समझाते थे, सुनते नहीं थे? सुनते नहीं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो दारू बिकता है उसको बंद किया जाए, उसको उसका खुला खुले जो बेचा है उसको पकड़ कर, मतलब एथी कर। बिहार में दारू वाला नहीं चलता। आपको लगता है प्रशासन की लापरवाही? आप लोग शिकायत करती थी तब भी सुनी नहीं गई? नहीं, मतलब हम लोग करती हूँ, ठीक है, बाकी प्रशासन सुनता नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं है। आप लोग के ध्यान में क्या है, कितने लोगों की मौत हो गई है यहाँ पे? हम लोग 5-7 आदमी की मौत हो गया।
पुलिस कह रही है कि चार लोगों की मौत हुई है, लेकिन कारण क्या है ये पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। पुलिस झूठ बोल रहा है, जनता को ऐसी करने के लिए 7 आदमी का मौत हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।